गाजर का हलवा हो या फिर गाजर की बर्फी हम सबको बहुत ही पसंद होती है। तो आज हम यहाँ पे गाजर का इस्तेमाल करके कैरेट कुल्फी बनाएंगे और ये जो कैरेट कुल्फी है वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके ये कुल्फी बनती है और खाने में एकदम क्रीमी लगती है। तो फ्रेंड्स आप इस समर सीजन में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। गाजर की कुल्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो छोटे साइज के गाजर लिए हैं और इसे हम सबसे पहले पील कर लेंगे। अगर हम इसे ग्राम में मेजर करते हैं तो मैंने यहाँ पे 150 ग्राम जितना गाजर लिया है। गाजर को पील करने के बाद हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सर जार में इसे क्रश कर सकते हैं। अब कुल्फी मिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में 1 लीटर जितना फुल फैट मिल्क ऐड करेंगे। जब भी हम कुल्फी बनाते हैं तो हमेशा हमें फुल फैट मिल्क का ही इस्तेमाल करना है, उसी से जो हमारी कुल्फी है वो एकदम क्रीमी बनती है। अब यहाँ पे हमें दूध को हाई फ्लेम पे एक उबाल आने तक बॉईल करना है। अभी जो दूध है वो अच्छे से उबलने लगा है तो इसमें हमने जो गाजर को ग्रेट करके प्रिपेयर किया है वो ऐड कर देंगे। अब हमें इसे मध्यम आंच पे अच्छे से पकाना है जब तक कि जो हमारा दूध है वो 40% जितना रिड्यूस ना हो जाए। और बीच बीच में इस तरह स्टर कर लेंगे ताकि जो दूध है वो नीचे चिपक ना जाए और इसकी साइड्स को भी हमें स्क्रैप करना है। ये जो कुल्फी है इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं क्योंकि हम इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा दूध है वो अच्छे से गाढ़ा हो गया है और साथ ही साथ जो गाजर हमने इसमें ऐड किया है वो भी अच्छे से पक गए हैं। तो इसी स्टेज पे हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 70 to 80 ग्राम जितनी शुगर ऐड की है। शुगर की मात्रा आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग टू कम और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। शुगर ऐड करने के बाद हम इसे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा दूध है वो अच्छे से गाढ़ा होने लगा है और इसमें क्रीमीनेस भी आने लगी है। जैसे ये ठंडा होगा और भी गाढ़ा होगा। अब लास्ट में हम इसमें आधा चम्मच इतना इलायची पाउडर और उसी के ही साथ हम इसमें बादाम और पिस्ता की फ्लेक्स ऐड करेंगे। अगर आप इसमें बादाम और पिस्ता ऐड नहीं करना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए ही पकाएंगे ताकि जो इलायची के फ्लेवर है दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रखेंगे। अभी जो हमारा कुल्फी मिक्सचर है वो अच्छे से ठंडा हो गया है तो हम ब्लेंडर की मदद से इसे जस्ट 30 सेकेंड के लिए ब्लेंड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा गाजर कुल्फी मिक्सचर बन के प्रिपेयर हो गया है तो इसे हम मोल्ड में फिल कर लेंगे। कुल्फी को साइड करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह के जो एल्यूमिनियम मोल्ड आते हैं वो लिए हैं। आपके पास जो भी मोल्ड अवेलेबल है उसमें आप कुल्फी को साइड कर सकते हैं। अब मिक्सचर को हम मोल्ड के अंदर पोर कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई भी मोल्ड अवेलेबल नहीं है तो जो चाय के पेपर कप आते हैं उसमें आप कुल्फी को साइड कर सकते हैं या फिर इस तरह की जो कुल्हड़ आती है उसमें भी आप कुल्फी को साइड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ कैरेट ऐड करेंगे। आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं और थोड़ी सी पिस्ता फ्लेक्स ऐड करेंगे। अब मोल्ड को हम फॉइल पेपर से कवर कर लेंगे। अगर आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल पेपर नहीं है तो जो प्लास्टिक बैग आती है इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है और इसके ऊपर रबर बैंड लगा के आप इस तरह कवर कर सकते हैं। अब इसके सेंटर में हम छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि इसके अंदर हम कुल्फी स्टिक आती है वो इंसर्ट कर सकें। मैंने इस तरह की जो कुल्फी स्टिक आती है वो ली है और ये जो कुल्फी स्टिक है वो आपको कोई भी स्टेशनरी की शॉप में मिल जाएगी। अब इसे हम फ्रीज़र में करीबन 6 से 7 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी सेट होने के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी कुल्फी है वो अच्छे से सेट हो गई है। तो अब इसके ऊपर से हम एल्यूमिनियम फॉइल पेपर को रिमूव कर लेंगे। इस कुल्फी में हमने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, फिर भी जो ये कुल्फी है वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम मोल्ड में इसे कुल्फी को डीमोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मोल्ड को हाथों के बीच में इस तरह रब कर लेंगे तो जो हमारी हाथों की गर्मी होती है उसकी वजह से जो कुल्फी है वो मोल्ड में से आसानी से डीमोल्ड हो जाएगी। इसमें हमने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, फिर भी जो ये कुल्फी है वो एकदम क्रीमी और मलाईदार बनी है। हम सब ने केसर पिस्ता, गुलकंद या फिर चॉकलेट कुल्फी खाई होगी लेकिन इस तरह की यूनिक कुल्फी नहीं खाई होगी। तो फ्रेंड्स इस समर सीजन में ये कैरेट कुल्फी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत ही पसंद आएगी।
अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी एक आसान सी रेसिपी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।